आप ये समझते आए हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार आप बनाते, आप ये समझते आए हो कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आप बनाते, आप ये समझते आए हो कि कांग्रेस की सरकार आप बनाते थे। नहीं, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान की जो राजनीति है, इस राजनीति को मैं ऐसे कहता हूं जैसे खीर बनाना, और खीर दूध और चावल से बनती है। याद रखना दोस्तों, खीर और चावल इस देश के हिंदू भाई हैं हमारे। इस देश के खीर और चावल हिंदू भाई हैं। हिंदू भाइयों ने जब तक चाहा कांग्रेस की खीर बनाई, हिंदू भाइयों ने जब तक चाहा बहुजन समाज पार्टी की खीर बनाई, हिंदू भाइयों ने जब तक चाहा समाजवादी पार्टी की खीर बनाई। हिंदू भाई चाहते हैं तो दिल्ली में केजरीवाल की खीर बनाते हैं, हिंदू भाई चाहते हैं तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की खीर बनाते हैं। मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं। उससे पूछा एक साहब कि अच्छा मुसलमानों की क्या भूमिका है, मैंने कहा साहब मुसलमान जो है वो ड्राई फ्रूट है। मुसलमान ड्राई फ्रूट है ना, मुसलमान है काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, छुआरा। ये खीर पर डलकर रौनक बढ़ा सकते हैं, ये खीर पर डलकर जायका बढ़ा सकते हैं, लेकिन काजू किसी दिन ये कह रहे तो भैया आज खीर नहीं बनाना तो बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। आपने 2022 में पूरी कोशिश करी, बनाए क्या आपने खीर? बनाए क्या आपने 2019 में पूरी कोशिश करी, बनी क्या आपसे खीर? नहीं बनी ना। मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया कि इस देश के हिंदुओं ने जब कांग्रेस की खीर बनाई, आपने उसमें डलकर रौनक बढ़ाया, आपने उसमें डलकर जायका बढ़ाया। जब इस देश के हिंदुओं ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, आपने उसमें डलकर रौनक बढ़ाई, आपने उसमें डलकर जायका बढ़ाया। जब इस देश के हिंदुओं ने यह तय कर लिया कि अब योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की ही खीर बनेगी, तो भैया आप उसमें डलकर जायका बढ़ा दीजिए, आप उसमें डलकर भी खुशबू बढ़ा दीजिए। मैं यही आपसे अपील करने के लिए आया, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव संदेश देने का चुनाव है, समझ लीजिएगा। इस चुनाव से नफरतों की खाई को पाटने का चुनाव है। ये चुनाव लखनऊ तक प्यार, मोहब्बत और प्रेम का संदेश देने का चुनाव है। आपने 5 साल पहले नदीमुल हसन को हरा दिया था, क्या कर लिया भैया आपने मुझे बताना है? इस 5 साल कौन सा ऐसा क्या यहाँ पर कोई एयरपोर्ट बन गया क्या है? आपका यहाँ कोई 10-20-50-100 इंडस्ट्रीज लग गई है क्या? या सरकारी अस्पताल बन गए हैं क्या 4-5? बताइए, कोई कॉलेज बन गया क्या? डिग्री कॉलेज, कोई इंटर कॉलेज बन गया क्या? लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ, आपका सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है। अगर आप इसको ताकत देंगे, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग राजनीति करते होंगे, जो वोट देता है आप उसकी थोड़ियों में हाथ डाल के रखते हैं ना कि नहीं रखते? और जो वोट नहीं देता है वो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है बताओ? मुसलमानों के साथ तो बड़ी समस्या है कि आप वोट जिनको देते हैं वो आपको अपना नहीं मानते, वो तो आपको अपना बनवा मजदूर समझते हैं। वो ये सोचते हैं ये जाएंगे कहां, और भाजपा वाले ये सोचते हैं कि ये आएंगे कहां। आज बड़ी उम्मीद के साथ मैं इस अपील के साथ आया हूं कि आप आएंगे हमारे साथ। आप जब हमारे साथ आएंगे तो मैं विश्वास दिला रहा हूं तो ये नदीमुल हसन ये आपकी थोड़ियों में हाथ डाल देगा। ये कहना बड़ी मुश्किल से 75 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं, वो संतोष गंगवार जी भी आपकी थोड़ियों में हाथ डाल देंगे कि भैया इनको पहले पता चला। हिंदू और मुसलमान नहीं देखते हैं, बल्कि सबका साथ इस्तेमाल करते हैं और सबका विकास, क्योंकि हमारे पार्टी का संकल्प है सबका विकास, तो उस सबके विकास को करके निकलते हैं। भाई बहनों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास में सबका विश्वास शामिल करा, और सबका विश्वास शामिल करने के लिए कुंवर मासिक भाई ने भी बताया, मैं भी आपके सामने ये कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है कि 2014 का चुनाव था, 2014 के चुनाव में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं। 2017 में उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी उसमें मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं है। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी उस नरेंद्र मोदी जी की दोबारा की सरकार में मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि हद तो तब हो जाती है कि 2022 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, आजाद हिंदुस्तान का ऐतिहासिक चुनाव। मैंने ऐसा देखा नहीं है सन 47 से लेकर आज तक मुसलमानों ने इतना एकजुट होकर एक तरफा होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पहले कभी मतदान नहीं किया। आप सबने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करा, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ आप सब समझ लीजिए। सबका साथ सबका विकास की मैं बात कर रहा था, सबके विश्वास की बात अभी करूंगा, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति क्या है ये बताने के लिए 5 मिनट चाहूंगा। बड़े गौर से सुन लेना मेरे मुसलमान भाइयों, हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी है जिससे खीर बना देना, हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी है जैसे खीर बना देना। मेरे से एक मित्र पूछे समझ में नहीं आता कि खीर कैसे, मैंने कहा खीर बनती है दूध चावल से। खीर कैसे बनती है? दूध चावल से। और मेरे मुसलमान भाइयों सुन लो, हिंदुस्तान का दूध चावल है मेरे हिंदू भाई, हिंदुस्तान का दूध चावल है मेरे हिंदू भाई। इन हिंदू भाइयों ने जब तक चाहा कि कांग्रेस की खीर बनेगी, इन्होंने कांग्रेस की खीर बनाई। इन हिंदू भाइयों ने जब तक चाहा कि बीएसपी की खीर बनेगी, इन्होंने बीएसपी की खीर बनाई। इन हिंदू भाइयों ने चाहा कि समाजवादी पार्टी की खीर बनेगी, तो समाजवादी पार्टी की खीर बनाई। इन हिंदू भाइयों ने चाहा कि दिल्ली में केजरीवाल की खीर बनेगी, तो केजरीवाल की खीर बनाई। इन हिंदू भाइयों ने चाहा कि वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की खीर बनेगी, तो इन्होंने ममता बनर्जी की खीर बनाई। लेकिन जिस दिन इन हिंदू भाइयों ने चाह लिया कि अब खीर बनेगी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की, तो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, सपा और अजीत सिंह का गठबंधन हुआ। लेकिन इस देश के हिंदू भाइयों ने, उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों ने तय कर लिया था कि खीर बनेगी तो योगी आदित्यनाथ की बनेगी। तो आपने एड़ी चोटी का भले से जोर लगा दिया, खीर बनी तो योगी आदित्यनाथ की बनी, दूसरी बार सरकार बन के दिखाई। फिर मेरे से किसी ने सवाल किया, आसिफ भाई तो मुसलमान क्या है भाई, बड़ा अहम सवाल है। मैंने कहा मुसलमान है बादाम, काजू, पिस्ता, ड्राई फ्रूट, किशमिश, कलौंजी, ये खीर पर डलकर रौनक बढ़ा सकता है, ये खीर पर डलकर जायका बढ़ा सकता है। लेकिन अगर चिरौंजी किसी दिन ये कह रहे कि मैं ही खीर बनाऊंगी, तो चिरौंजी की खीर नहीं बन सकती। बादाम ये कहे कि मैं ही खीर बनाऊंगा, तो बादाम की खीर नहीं बन सकती। तो मैं यही बात कहने के लिए आया हूं दोस्तों, इस देश के हिंदू भाइयों ने कांग्रेस की खीर बनाई, आपने उस पर डलकर उसकी खुशबू बढ़ाई, आपने उसका जायका बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों ने समाजवादी पार्टी की खीर बनाई, आपने उस पर डलकर उसकी रौनक बढ़ाई, उसका जायका बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों ने बहुजन समाज पार्टी की खीर बनाई, आपने उस पर डलकर रौनक बढ़ाई, जायका बढ़ाया। अब उत्तर प्रदेश के हिंदू भाई जब बीजेपी की खीर बना रहे हैं, तो आप इसकी रौनक क्यों नहीं बढ़ाते, आप इसका जायका क्यों नहीं बढ़ाते।